जाने कहां गए वो दिन। 90 के दशक में एक गायिका हुआ करती थी, नाम है साधना सरगम। उस दौर में अपनी जवानी बिताने वाले लोगों ने इनके गाने खूब सुने होंगे। इनका पहला सोलो गाना था दूर नहीं रहना, जो कि फिल्म रुस्तम का गीत था। हालांकि इससे पहले साधना सरगम सुभाष गई की फिल्म विधाता में सात सहेलियां गा चुकी थी। भले ही ये अब फिल्मी दुनिया से काफी दूर हो चुकी हों, लेकिन आज भी इनके फैंस इन्हें खूब याद करते हैं। इनका जिक्र हमारे जेहन में आया तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको आज हम 90 के दशक के कुछ और गायकों की भी याद दिला दें। ये वो गायक हैं जो उस दौर में लोगों के दिलों पर राज किया करते थे और आपने भी इनके गाने जरूर सुने होंगे। उदित नारायण। 90 के दशक की फिल्मों की खासियत उनकी कहानी और उनके हीरो ही नहीं बल्कि उनका मधुर गीत संगीत भी हुआ करता था। उदित नारायण उस दौर के बड़े गायकों में से एक थे। उदित नारायण ने उस दौर की कई बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी थी और लगभग हर बड़े स्टार के लिए गीत गाए थे। कुमार सानू। बात अगर 90 के दशक के रोमांटिक गानों की हो तो मतलब बात कुमार सानू की हो रही है। कुमार सानू ने उस दौर में हर एज ग्रुप के लोगों को अपना दीवाना बनाया था। कुमार सानू के गाए हुए गीत आज भी लोग बड़े ही शौक से सुनते हैं और उनके गीत सुनकर आज भी लोग रोमांस करना पसंद करते हैं। अलका याग्निक। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आशा भोंसले और लता मंगेशकर के बाद बॉलीवुड में अगर कोई सबसे सफल फीमेल प्लेबैक सिंगर रही हैं तो वो अलका याग्निक ही रही हैं। 30 सालों तक अपनी मधुर आवाज से हर किसी के दिल पर राज करने वाली अलका याग्निक के बिना उस दौर में लोग गीतों की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। कविता कृष्णमूर्ति। 90 के दशक की एक और बेहद मशहूर और लोकप्रिय फीमेल सिंगर थी कविता कृष्णमूर्ति। इनके गाए गीत भी लोग बेहद पसंद किया करते थे। इन्हें बॉलीवुड में पहचान मिलनी शुरू हुई थी फिल्म प्यार झुकता नहीं से। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। इसके बाद तो कविता कृष्णमूर्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्हें 4 बार बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अनुराधा पौडवाल। कहा जाता है कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल की खोज की थी। इनकी खनकती आवाज के दीवानों की उस दौर में भी कोई कमी नहीं थी। लोग तो ये भी दावा करते थे कि गुलशन कुमार अनुराधा पौडवाल को दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते हैं। इनके करियर की शुरुआत हुई थी अमिताभ और जया बच्चन की फिल्म अभिमान से। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। हालांकि इन्हें पहचान मिली 1976 में रिलीज हुई फिल्म कालीचरण से। अभिजीत भट्टाचार्य। 90 के दशक के एक और बड़े गायक थे अभिजीत भट्टाचार्य। मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन ने इन्हें पहली दफा ब्रेक दिया था। एक दौर वो था जब शाहरुख खान पर फिल्माए हर गाने को अभिजीत भट्टाचार्य ही अपनी आवाज दिया करते थे। आपको बता दें कि अभिजीत भट्टाचार्य अब पूरी तरह से बॉलीवुड से दूर हो चुके हैं।